यार मैं बड़ा स्टेट बड़ा स्टेटमेंट मारने वाला हूँ अभी ना बेसिकली आई डोंट डोंट नो आई नो तुम इस बात से एग्री करोगे नहीं करोगे मैं बेसिकली एक इवेंट uh, में गया था नाच समेटना लास्ट ईयर मार्च uh, में आई मेट अ लॉट ऑफ इंडियंस दैर मैंने एक चीज़ रियलाइज की कि इंडिया में दो क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं कर सकते hmm. एक इरफान जिन्हें और जो दूसरा मोरू hmm. और ये चीज़ मुझे वहाँ जा रियलाइज hmm. हुई मैंने बोला ये तो बहुत बड़ा फकदान है ठीक है जिस तरह की भाई स्टोरी टेलिंग करते हैं आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग hmm. जिस तरह तुम करते हो इट्स डिफरेंट एंड आउटस्टैंडिंग एज सो वो चीज़ मुझे इंडिया के क्रिएटर्स अभी तक तो फिलहाल एक है इंडिया लेकिन वो भी अंग्रेजी में कॉन्टेंट बनाते हैं तो मुझे नहीं दिखी तो ये तो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ मैंने बहुत टाइम बाद रिलैक्स की तो <coughs> इंडिया तो ये एक तरह से हमारे लिए पाकिस्तान एक पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए भी एक प्राउड वाली बात है कि हाँ यार हमारे पास ये इरफान है और मोरू है स्टैंड आउट करते हैं ऐसे और भी होंगे तो बहुत ज़बरदस्त बात है लेकिन ये कि ये दो बंदे हैं और ऐसे लोग ऐसे क्रिएटर्स फ़िलहाल फ़िलहाल मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुजरे इंडिया में और इसी वजह से जब मैं इंडियन से मिला था तो देवर क्रेज ही मुझसे जिस तरह से वो सवाल कर रहे थे ना भाई इरफान जो नहीं जो तुम मैंने बोला कैसे जानते हो अभी तो सब जानते हैं पूरी नास की जो टीम में जितने भी इंडियन सारे इरफान जो को जानते थे वो कह रहे हैं हमने बुलाने की कोशिश की और वगैरह वगैरह लेकिन ये कि एवरीबडी माशा से यार वेरी सच शॉकर टू मी मुझे भी अल्लाह का शुक्र है मुझे भी काफ़ी दफ़ा कॉमेंट आया है कि अगर आप इंडिया में होते तो अभी आपके दस मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर लेकिन खैर जो है बहुत अच्छा है अल्लाह का शुक्र है और सबसे अच्छी बात यह है कि दैट मार्केट इज ओपन फॉर इसको मैं दूसरे नजर से देखता हूँ तो इंडिया में होने की जरूरत ही नहीं है मेरी नज़र में आ, रीजन पूरा सेम है ठीक है अफगानिस्तान का आधा अफगानिस्तान हिंदी समझता है बॉलीवुड देखते हैं देन पाकिस्तान हिंदी उर्दू समझता है बोलते हैं एंड देन इंडिया हिंदी उर्दू समझता है एंड देन बांग्लादेश भी समझता है बोल नहीं पाते इतना ज्यादा बेहतर तरीके से लेकिन बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है नेपाल श्रीलंका नेपाल श्रीलंका भी काफ़ी हद तक तो ऐटलीस्ट हमारे पास ये दो बिलियन लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं तो मैं अक्सर लोग बोल रहे होते हैं यार दानिया भाई आप इंडिया की आजकल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं भाई बात ये कि मैंने रियलाइज कर लिया है कि ये इंडिया नहीं जो इंसान उर्दू समझ सकता है पूरी दुनिया में जो इंसान हिंदी समझ सकता है पूरी दुनिया में वो मेरी ऑडियंस है ठीक है तो मैं तो बात करूँगा उन टॉपिक्स से बात करूंगा जो टॉपिक्स उनके लिए भी रिलेटेबल हो जो टॉपिक जिस रीजन के लिए रिलेटेबल हो मैं तो बारी बारी बारी, बारी 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 बात करता रहूंगा तो इसमें मुल्क को तो हटा ही दो अभी तो हम सिर्फ ज़बान की बात कर रहे हैं मेनली चीज़ जो है ना मेरे मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ जबान से एक और एग्जाम्पल ये रहीम परदेसी की कि उसने ही बड़ा बड़ा अच्छा काम किया था क्योंकि उसने पंजाबी सेंट्रिक कॉन्टेंट बनाया था बहुत बड़ी ऑडियंस है और ज़रूरत है इसी तरह से सिंधी के अंदर अगर हम बात करें तो चार पाँच करोड़ की ऑडियंस है बेहतरीन नीच है ठीक है सो so, उर्दू जो है और हिंदी जो है वो गोरे की नज़र में नीच है ठीक hmm. <laughs> hmm. <laughs> है उनकी नज़र में दो बिलियन लोग मोर देन टू बिलियन पीपल लेकिन हम भी है उनकी नज़र में सो या तो हम अगर हालात और बेहतर हो जाए hmm. <clears throat> तीनों मुल्कों के पूरे साउथ एशियन रीजन के सो उसके अंदर आप फिर ट्रैवल भी करोगे ये भी करोगे तो फिर दस मिलियन सब्सक्राइबर्स तो कुछ भी नहीं है भाई जिस तरह कॉन्टेंट तुम्हारा है मुझे भी मतलब अभी अफसोस ही होता है हर किसी को पता है क्या पॉलिटिकल हालात हैं लेकिन अभी भी कभी भी इंस्टाग्राम लाइव करें हैं या हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह का डीएम आता है कमेंट आता है कि आप इंडिया में जब आएँ तो हमारे शहर जरूर आइएगा आप इंडिया आप, आपको एम एस को हमने साथ देखना है और आ, मतलब अफसोस ही होता है क्योंकि हाफ ऑफ माई फैमिली मेरी अम्मी की पूरी साइड इज़ उर्दू स्पीकिंग नानी मेरी बरेली की थी हो बरेली तो मेरे नानी के जो सगे भाई हैं वो अभी भी दिल्ली में रहते हैं तो बहुत सालों पहले हमारी फैमिली में एक शादी हुई थी तो उनकी बेटी आई थी शादी में तो मतलब अफसोस ही होता है कि नहीं जा सकते आप क्यों नहीं जा सकते हाँ मेरा तो ये सवाल होता है कि क्यों नहीं जा सकते ठीक है बहुत सेंसिटिविटी है थी यार ठीक है कुछ बाबों ने मसले क्रिएट किए थे दोनों तरफ से ठीक है अरे भाई उनको इंतकाल हो गया उन सबका आधे से ज्यादा लोगों का तो इंतकाल हो गया और जो करना था वो करके चले गए अभी की जनरेशन हमें तो इस मसले को हल करना है दिस वे और दैट वे इसके अलावा ना कोई और ऑप्शन नहीं है मेरी नजर में इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है मैंने ना मतलब इंटरनेट पे तो सभी बहुत मुँह के फायर करते हैं मैंने अपनी लाइफ में किसी भी पढ़े लिखे इंडियन को या पढ़े लिखे पाकिस्तानी को ये बोलते हुए देखा कि नहीं यार ये सही हो रहा है ये जो हमारे बीच में ये दुश्मनी ये चल रही है ये ठीक है बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हर कोई ये बोलता है कि यार सेम कल्चर है सेम जबान है हर चीज़ सेम है होना चाहिए लेकिन अब नया वो आ गया कि क्रिकेट वाला नहीं आएंगे। दोनों की दोनों की सवाल इस है अब और फिर अगेन तमीज से बात करने वाली चीज से बात करूँ गुस्सा तो नहीं होता मैं भाई गुस्सा नहीं बदतमीज़ी भी नहीं गालम गलोज भी नहीं हम तमीज से बात करते हैं क्योंकि तमीज पीस क्या है यार पीस तो तमीज से ही आएगा ठीक है ना मैं उनको बुरा बोलूँगा ना मैं अपने को बुरा बोलूंगा इस तरह से करूंगा तो फायदा नहीं है फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात होगी और मुझे लगता है कि ये बींगट क्रिएटर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी है मेरी तरफ से भी एंड आई एम ग्लैड कि मैं बात कर सकता हूँ इस बारे में एंड आई नो कि बहुत सारे क्रिएटर्स हैं मेरे पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो तो कि शायद वो बात नहीं कर पाएंगे इस वक्त और मैं आपका और मैं उनका प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ लेकिन ये है कि आने वाले वक्त में इस चीज़ को हम नॉर्मलाइज़ करेंगे क्योंकि hmm. मैं बहुत सारे क्रिएटर्स को जानता हूँ जो कि बात करना चाहते हैं इंडिया की तरफ से hmm. लेकिन अभी हालात इस तरह के हैं लेकिन हल्का सा अगर एक तरफ से बैंड आएगा ना, ना तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से थोड़ा सा बैंड आ जाए ना तो इन बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा और सारी चीज़ जो है ना इकॉनमी है मैं तो मैं एग्जाम्पल देता हूँ मैं जो है ना मैं चाइना में था इन शंघाई ठीक है और वहाँ पर एक एक छोटा सा ग्रुप है उसका नाम है कल्चर शॉक तो वो ना पूरे शंघाई में टूर कराते हैं उसका जो हेड था वो फ्रेंच था तो उसके साथ मैं बैठा हुआ बातें कर रहा था वो हिस्ट्री की बातें कर रहा था बड़ी इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए सो उन्होंने बोला भाई पाँच सा साल पहले जो है ना ये पूरा रीजन जो था ना चाइना और बरे सग़ीर का सब कॉन्टीनेंट का ठीक है जिसको इंडिया कहा जाता था अब अभी कहा जाता है ऑफकोर्स लेकिन ये कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिया कहा जाता था तो उस वक्त जो है ना वो दुनिया की 50 परसेंट इकानमी ना इसके हाथ में थी ठीक है चाइना ने तो अपनी जगह बना ली और ये बात मैं कह रहा हूँ आज से छह साल पुरानी है तो उसने बोला अगला जो अगली जो बारी है ना वो आपको जगह वापस लेनी है अपनी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को जगह वापस लेनी है अपनी इकोनॉमी के हवाले से इंडिया ने तो ले ली काफ़ी हद तक ले ली बांग्लादेश भी ले रहा है हम हमारे साथ बहुत मसले हैं और आई थिंक कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस क्राइसिस की जरूरत थी ये क्राइसिस नहीं आता तो शायद हम नहीं सोचते इतनी पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो ये कहते हैं कि यार एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से देखा जाए तो ये ये नहीं समझते हम लोग आंखें बंद करके बैठे हुए थे हम नहीं समझते खैर पॉलिटिक्स की बात हो रही है अलग बात है और तुमसे तो आई डोंट नो तुम कितना कंफर्टेबल इस बारे में बात करने नहीं, 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 नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ आप बोलिए मैं देखें इस पूरे टॉपिक पे मेरा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये अभी भी आई एम श्योर ये आप पॉडकास्ट अपलोड करेंगे तो इस पर इस तरह के आपको फीडबैक आएगा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी तकलीफ़ें हैं तो चले जाओ किसने रोका है तुम्हें और जो बंदा कमेंट कर रहा है वो इस एंटाइटलमेंट के साथ बोल रहा है जैसे उसने खरीदा हुआ है पाकिस्तान <laughs> <laughs> चले जाओ तो, तो ये <laughs> अभी भी चीज़ें देखें सबसे बड़ा जो मसला है ना जो मैंने अपने जब से मैं एक पब्लिक उसमें आया हूँ उस फेयर में मुझे नंबर वन मसला हमारा यह है कि किसी भी गलती को सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप तस्लीम करें कि यार देर समथिंग रॉन्ग हम अभी वो वहाँ नहीं हैं हम हम यहाँ पे हैं कि सब कुछ सही है यह एक्चुअली साजिश है अगर हमारी पसंद की गवर्नमेंट है तो ये अपोज़िशन की साजिश है और अगर हमारी पसंद की गवर्नमेंट नहीं है तो फिर ये जो करप्ट गवर्नमेंट हो गई है उसकी साजिश है हम बस अजीब अपने एक छोटे छोटे बबल्स में हैं कि बस हमारी अगर पसंद की हुकूमत आ जाएगी तो सब बेस्ट होना था लेकिन नहीं हो पा रहा क्योंकि जूस ने यह मसला खड़ा कर दिया है और इंडिया ने वहाँ से एजेंट भेज दिए हैं और ईरान ये नहीं करना चाह रहा और अभी आप बाहर अपनी बाइक खड़ी करें वो आधे घंटे में उसका पेट्रोल चोरी हो जाएगा तो ये कौन कर रहा है